ओके, सो विल स्टार्ट. सो टुडेज दिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से हम क्या समझते हैं? इट इज समथिंग रिलेटेड विद द रेनल सिस्टम, राइट? कुछ किडनी से रिलेटेड है. सो लेट्स सी व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल लर्न. इट इज कॉज ड्यू टू टी सेल मीडिएटेड इंजरी एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इंजरी. तो वी नो देर आर टी सेल्स एंड देर आर बी सेल्स. टी सेल्स क्या होता है, कहाँ से होता है? एनी वन? थाइमस. एंड बी सेल्स? बोन मैरो. ओके, तो जो टी सेल्स होता है उसमें कुछ इंजरी, टी सेल मीडिएटेड, टी सेल के कारण जो इंजरी होता है इन द किडनी, टी सेल मीडिएटेड इंजरी, या इम्यून कॉम्प्लेक्स. इम्यून कॉम्प्लेक्स भी है, समथिंग कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स आर देयर, वी विल स्टडी इन आवर इम्यूनोलॉजी. सो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका रिलेटेड मीडिएटेड इंजरी जो होता है उसके कारण लीड्स टू पोडोसाइट डैमेज. ओके, अब पोडोसाइट क्या है? पोडोसाइट क्या है? पोडोसाइट सुना है कभी? नहीं सुना है. साइट मतलब सेल, राइट? और पोडो से क्या आता है? समथिंग फिट, फिट से रिलेटेड है. तो फुट लाइक प्रोजेक्शन, फुट लाइक प्रोजेक्शन और सेल्स. ठीक है, तो फुट लाइक प्रोजेक्शन और सेल्स. ठीक है, तो पोडोसाइट, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पोडोसाइट. पोडोसाइट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स. तो ये एपिथेलियल सेल्स है. पोडोसाइट्स आर एपिथेलियल सेल्स. ओके, इन द विसरल लेयर ऑफ द किडनी. ओके, किडनी बाउमेंस कैप्सूल अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज वियर साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक पेडिकल्स. फुट लाइक प्रोजेक्शन. तो आप याद रखो, यहाँ पे देखो, विसरल लेयर ऑफ किडनी में होता है और ये एपिथेलियल, दिस आर एपिथेलियल सेल्स एंड इन द विसरल लेयर ऑफ किडनी. ठीक है, आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन द विसरल लेयर ऑफ द किडनी बाउमेंस कैप्सूल अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है ऑफ द कैपिलरीज. कैपिलरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है किसके थ्रू? साइटोप्लाज्मिक पेडिकल. सो बहुत लंबा डेफिनेशन है पर आप याद रखो, पी पोडो मतलब फुट लाइक. ओके, फुट लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, या सेल्स होता है ये. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय टी सेल मीडिएटेड इंजरी. नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण क्या है? टी सेल मीडिएटेड इंजरी एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इंजरी आपका. ठीक है, तो दिस इज दिस लीड्स टू पोडोसाइट डैमेज. अब पोडोसाइट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होता है आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. तो क्या होता है? देयर इज मैसिव प्रोटीन्यूरिया. ओके, तो क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? देयर इज मैसिव प्रोटीन्यूरिया. और प्रोटीन्यूरिया कितना होता है? मोर देन 3.5 ग्राम इन 24 आवर्स. ओके, मोर देन 3.5 ग्राम इन 24 आवर्स. ओके, तो इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है. लाइक बोलते हैं कि अब 24 आवर्स में कलेक्ट करना है यूरिन, इट्स नॉट पॉसिबल ना. कभी कभी वो जो जिस इंसान को यूरिन कलेक्ट करना है वो भूल सकता है. ठीक है, तो 24, तो उसके कारण हाई वैल्यू भी हो सकता है. तो दिस इज नॉट एक्यूरेट. ओके, और भी दूसरे सारे मेथड है. स्पॉट टेस्ट बोलते हैं, थ्रो स्पॉट टेस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज स्पॉट टेस्ट ओनली. तो थ्रो स्पॉट टेस्ट दिस यूरिन एनालिसिस इज डन और प्रोटीनूरिया देखते हैं. तो क्या होता है? मैसिव प्रोटीनूरिया होता है तो क्या होता है? देयर इज डिक्रीज अल्बुमिन. अल्बुमिन क्या है? इट इज व्हाट? क्या है ये? प्रोटीन. इट इज ए प्रोटीन. सो देयर इज डिक्रीज अल्बुमिन, लॉस ऑफ अल्बुमिन एक्चुअली. सो देयर इज लॉस ऑफ अल्बुमिन. प्रोटीन यूरिया होता है ना, प्रोटीन यूरिया. तो प्रोटीन, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन एंड व्हिच इज दैट प्रोटीन? लाइक अल्बुमिन. ओके, सो देयर इज लॉस ऑफ अल्बुमिन. देन देयर इज लॉस ऑफ ए एन पी. ए एन पी मतलब क्या है? एट्रियल. फिर क्या है? नेट्रीटिक पेप्टाइड. ठीक है, तो ये दोनों अगर लॉस होते हैं या डिक्रीज होता है तो क्या होता है?
इडिमा होता है हमको. वन ऑफ द सिम्टम ऑफ आपका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इज इडिमा. ओके नेक्स्ट, फिर क्या होता है, डिक्रीज इन एंटीथ्रोम्बिन 3, डिक्रीज इन प्रोटीन सी एंड एस. ओके एंड आईजी 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 क्या है, इम्यूनोग्लोबिन लॉस. तो इम्यूनोग्लोबिन अगर लॉस होगा तो क्या होगा, एक आदमी में इम्यूनोग्लोबुलिन कम होने से क्या होता है पेशेंट को, एनीवन, इन्फेक्शंस. तो दिस टाइप ऑफ पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. देन डिक्रीज इन एंटीथ्रोम्बिन 3 के कारण क्या होगा, हाइपर कोएगुलेबिलिटी. ओके नाउ अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेंगे, लिवर एक्टिविटी स्टिमुलेटेड. तो लिवर जो स्टिमुलेट हो गया, लिवर क्या करता है, इट विल रिलीज लिपिड्स. और ये लिपिड्स एक्सेस में हो जाने से क्या होता है, यूरिन में भी आता है और ब्लड में भी आता है. तो यूरिन में आने से क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिड्यूरिया. ये स्पेलिंग गलत है, आई एम सो सॉरी. एंड ब्लड में आने से बोलते हैं हाइपर लिपिडेमिया. ओके तो इसको लिपिड कास्ट भी बोलते हैं, थोड़ा कास्ट मतलब स्टोन फॉर्मेशन टाइप होता है, या ओवल फैट बॉडी भी होते हैं. अगर यूरिन एनालिसिस करे जो फैट्स होते हैं, जो लिपिड होता है उसको लिपिड कास्ट, इन द फॉर्म ऑफ कास्ट इट इज अवेलेबल. ठीक है तो लिपिड कास्ट बोलते हैं, ओवल फैट बॉडी भी बोलते हैं. ठीक है और इसको अंडर पोलराइज माइक्रोस्कोप में देखने से माल्टेस क्रॉस जैसा दिखता है. माल्टेस क्रॉस मतलब लाइक दिस. ओके ये क्रॉस है ना, तो दिस इज नोन एज माल्टेस क्रॉस. समझ में आया इतना तक, इज इट क्लियर एवरीवन? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई वांट टू नो दैट यस सर इट्स क्लियर एवरीवन. फाइन ठीक है, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन. तो यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में एक स्लाइड दिया है मैंने, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग ऑनकोटिक प्रेशर. तो ऑनकोटिक प्रेशर याद रखो कि इट इज कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके इज अ फॉर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इंड्यूस बाय द प्रोटीन्स नोटेबली एल्बुमिन. तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमको एल्बुमिन के कारण होता है, एल्बुमिन के कारण जो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं. ठीक है तो और भी बहुत सारा डिटेल्स है यहाँ पे, बट फॉर द टाइम बीइंग इफ यू रिमेम्बर दिस मच दैट इज एनफ. इन ए ब्लड वेसल प्लास्मा दैट डिस्प्लेस, ये इतना जरूरी नहीं है, जस्ट गेट ए ब्रीफ आइडिया कि व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर. ओके तो क्या होता है, इडिमा, इडिमा होता है हमने बोला है. तो लॉस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन, लॉस ऑफ एल्बुमिन उसके कारण क्या होता है, एल्बुमिन लॉस होगा तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसके कारण इडिमा होता है. ठीक है और एट्रियल क्या था, ये एट्रियल नेट्रियूरेटाइड पेप्टाइड समथिंग लाइक दैट राइट. तो ये क्या करता है, जब डिक्रीज होता है देयर इज रिड्यूस्ड सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन. तो इफ देयर इज रिड्यूस्ड सोडियम और वाटर एक्सक्रीशन तो वो क्या होगा, दैट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी राइट. अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, शरीर में रह जाएगा राइट. तो शरीर में रह जाएगा तो उसके कारण भी आपका सोडियम और वाटर के कारण भी देयर इज इडिमा. एक्चुअली पहले लोग सोचते थे कि ऑनकोटिक प्रेशर या एल्बुमिन के कारण इडिमा होता है, बट अभी रियलाइज किया है इट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी, इसके कारण मेजरली इडिमा होता है. तो उसके साथ और भी कुछ सारा प्रोटीन्स है जो डिक्रीज होता है, जैसे ट्रांसफरिन. ट्रांसफरिन क्या होता है, ट्रांसफरिन यू नो अबाउट ट्रांसफरिन, आयरन कैरी करता है. ठीक है ट्रांसफर या आयरन कैरी करता है. ठीक है तो ये अगर लेस हो जाता है तो वी हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. और ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज आयरन रेजिस्टेंस, इसको ट्रीटमेंट करने से भी, आयरन सप्लीमेंट देने से भी ठीक नहीं होता है. फिर देयर इज डिक्रीज थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ओके एंड दैट इज ऑल्सो अनरेस्पॉन्सिव टू T3 एंड T4 सप्लीमेंटेशन. नॉर्मल आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने से क्या होता है, आप T3 और T4 सप्लीमेंटेशन दो वो ठीक हो जाएगा, बट इन दिस केस व्हेन दिस थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन डिक्रीज इट इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू T3 एंड T4 सप्लीमेंटेशन. ठीक है तो जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रोटीन्यूरिया, उसका कारण में से एक है NPSH1 जीन म्यूटेशन. तो NPSH1 बोल के एक जीन है, उसका म्यूटेशन होने से
नेफ्रिन डेफिशिएंसी होता है और इट कॉजेस कॉन्जेनाइटल फिनिश नेफ्रोटिक सिंड्रोम. फिनिश इट इज रिलेटेड टू फिनलैंड, ओके, इट इज मोर कॉमन इन यूरोप, तो उसके कारण आपको इसको फिनिश नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं. एनपीएचएस एनपीएसएच टू, तो इसमें पोडोसिन पोडोसिन डेफिशिएंसी होता है और इट कॉजेस फोकल क्लेरोजिंग ग्लोमेरुलो कुछ है, आई थिंक एफ एस डी एस ग्लोमेरुलो विल सी इन आवर लेटर स्लाइड. ठीक है, जस्ट अ मिनट. फोकल स्क्लेरोजिंग ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ओके, ठीक है, एफ एस डी एस. तो एफ एस डी एस क्यों होता है? पोडोसिन डेफिशियंसी या एन पी एस एच टू के कारण, ओके. और नेफ्रिन, देखो इसको रिमेम्बर करने का एक आसान तरीका है. देखो ये एन जो है ना, ये पहला अल्फाबेट है ये एन पी एस एच में, ठीक है, तो ये नेफ्रिन हो गया. और पी है जो, ये दूसरा अल्फाबेट है यहाँ पे, तो एन पी एस एच टू हो गया पोडोसिन. ठीक है, याद रहेगा. नाउ पोडोसाइटोफेटी, पोडोसाइटोफेटी आप पढ़ लेते हैं कुछ. तो दो तरीके का होता है, माइल्ड होता है और सिवियर होता है. माइल्ड में क्या होता है, ओनली लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन. तो ओनली लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, इफ ओनली वन ऑफ द प्रोटीन इज लॉस्ट एंड दैट इज एल्ब्यूमिन, वी कॉल्ड इट सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, ओके, एंड इट इज रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स, ओके. तो एस है यहाँ पे, स्टेरॉइड्स काम करता है इस पे, इफ ओनली लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है. और अगर सिवियर, सिवियर में क्या होता है, लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, प्रोटीन सी भी होता है, फिर ये क्या था, एंटीथ्रोम्बिन 3 भी होता है, देन इट इज नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि मोर देन वन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन छोड़ के भी और भी सारा प्रोटीन ये रिलीज कर रहा है, तो इस दिस इज नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया एंड दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स, ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट इज मिनिमल चेंज डिजीज. एंड मिनिमल चेंज डिजीज इज कॉमन इन चिल्ड्रेन, चेंज से याद रखो चिल्ड्रेन, इट इज कॉमन इन चिल्ड्रेन. इसका इटियोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा हमको नहीं पता है, इडियोपैथिक होता है. उसके अलावा ड्रग्स, कुछ ड्रग्स एनसेज लेने से होता है आपको मिनिमल चेंज डिजीज. हॉजकिंस लिम्फोमा के कारण, दैट विल स्टडी इन डिटेल इन आवर हेमाटोलॉजी सेक्शन. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण होता है. और एटोपी, एटोपी क्या है, इट इज द जेनेटिक बेसिस फॉर हैविंग हायर इंसिडेंस, ओके. तो इसको रिमेम्बर करने का आपको एक ट्रिक है, एम सी डी. देखो यहाँ पे मिनिमल चेंज, मिनिमल एम है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और डी है, तो एम फॉर यहाँ पे मेलिग्नेंसी आ गया. मेलिग्नेंसी में क्या होता है, दैट इज हॉजकिंस लिम्फोमा. हॉजकिंस लिम्फोमा इज ए मेलिग्नेंसी, ठीक है, फाइन. देन व्हाट इज सी, सी से क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, ये हो गया सीओपीडी, ये हो गया आपको क्या था, मेलिग्नेंसी, ओके. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हो गया कफ एंड कोल्ड, ओके, ठीक है. और डी से हो गया ड्रग्स, ड्रग्स में क्या आता है, एनसेड्स, ओके. यू कैन रिमेम्बर बाय एम सी डी, ओके, इसका इटियोलॉजी. नाउ पोडोसाइट डैमेज, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम सो सॉरी. पोडोसाइट डैमेज, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, पहला तो है दिस इज ए चाइल्ड, ये बच्चों में होता है. मिनिमल चेंज डिजीज इज ऑकरिंग इन द चाइल्ड, ओके. फिर फ्रोदीनेस इन यूरिन प्लस स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब देखो इसका आंख स्वेल हो गया, इडिमा हो गया है इसको, ठीक है. एंड दिस इज द यूरिन सैंपल, देखो फ्रोदीनेस है, फ्रोदीनेस, दिस इज नोन एज फ्रोदीनेस, ओके. तो फ्रोदीनेस इन यूरिन एंड आपका स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है दैट इज इडिमा, ओके. और ये बच्चों में होता है, ओके. तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, पहले हम ब्लड, ब्लड थ्रू ब्लड वी कैन डायग्नोस एंड थ्रू यूरिन वी कैन डायग्नोस. तो ब्लड में क्या करेंगे, वी विल सी डिक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन दैट इज हाइपो एल्ब्यूमिनिया और इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड्स, ओके, दैट इज हाइपर लिपिडेमिया. फिर आप यूरिन में क्या देखेंगे, 24 आवर यूरिन सैंपल लेंगे, मैसिव प्रोटीनूरिया हम देखेंगे एंड ओवल फैट बॉडीज, जो मैंने पहले बताया था, ओवल फैट बॉडीज या लिपिड कास्ट हमको देखने को मिलता है. नाउ रेनल बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने तो क्या कर दिया, ब्लड सैंपल ले लिया, यूरिन सैंपल ले लिया, उसका एडवांस क्या है, देन रेनल बायोप्सी. रेनल बायोप्सी वी डू इट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इम्यूनो फ्लोरोसेंस, ओके. इम्यूनो फ्लोरोसेंस इज अ टेक्निक यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, ठीक है. तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है,
हमको ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देता है. ओके तो जो ग्लोमेरुलाई है वी इट लुक सिमिलर, सो मिनिमल चेंज, देयर इज वेरी लेस चेंज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिनिमल चेंज डिजीज. ओके इट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या है नॉर्मल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिनिमल चेंज डिजीज. ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ई फॉर इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स. ओके तो सोचो ये है हमारा पोडोसाइट्स. ओके यहाँ पे पोडोसाइट्स है पर यहाँ पे नहीं है, पोडोसाइट ऐसे हो गए हैं, तो दिस इज नोन एज इफेसमेंट. ओके इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. रिमेंबर ऑलवेज दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो हम देखते हैं इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. ओके देखो दिस आर द पोडोसाइट्स, यू कैन सी ये सारा पोडोसाइट्स है पर यहाँ पे इफेसमेंट हो गया है. ठीक है दिस इज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट. ओके तो याद रखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑलवेज आपका जो दिस थिंग्स आर ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट होता है. अब इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम क्या देखते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में नो इम्यून कॉम्प्लेक्स, सो वी डोंट सी एनी इम्यून कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज नील डिपोजिट डिजीज. ओके मिनिमल चेंज डिजीज इज ऑल्सो नोन एज नील डिपोजिट डिजीज बिकॉज देयर इज नो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. ओके तो अगर लिपिड्स प्रोक्सीमल ट्यूबुल में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाइपोइड नेफ्रोसिस, तो दैट इज ऑल्सो सीन इन मिनिमल चेंज डिजीज. एंड मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, दैट्स व्हाई इट हैज एक्सीलेंट रेस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स. पोडोसाइट दिखा दिया. अब नेक्स्ट वी गो टू मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी. ओके तो इट इज कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द एडल्ट. ओके ये एडल्ट में होता है. इट इज कैरेक्टराइज बाय डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल. ठीक है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल जो होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल जो होता है वो थिक हो जाता है. ठीक है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंस डिपॉजिट. तो यहाँ पे उसमें हमने देखा था क्या, वी डोंट सी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बट हियर वी सी इम्यून कॉम्प्लेक्स इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंस डिपॉजिट अलोंग द सब एपिथेलियल साइड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो कहाँ पे दिखता है, सब एपिथेलियल साइड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है तो अब ये क्या होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, एक तो प्राइमरी हो सकता है और एक सेकेंडरी हो सकता है. तो प्राइमरी के कारण क्या है, रिमेम्बर दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेस A2. हाँ हमें बताओ तो आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, एनीवन कैन टेल मी. Anyone? Autoimmune? Body's own cell like, form against the immunity. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी इज फॉर्म अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फॉर्म होता है, फॉस्फोलाइपेस A2 रिसेप्टर. एक रिसेप्टर है जिसका नाम फॉस्फोलाइपेस A2 है, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है. एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ HLA-DQA1, एक एलील है उसके अगेन उसके उससे भी एसोसिएटेड होता है. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस. और इसमें हम स्पाइक्स देखते हैं. ओके इन बेसमेंट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब स्पाइक ऐसे, स्पाइक एंड डोम बोलते हैं, ऐसे डोम होता है और ऐसे स्पाइक्स होता है. तो स्पाइक एंड डोम अपेरेंस वी सी इन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी. ओके तो इसका हम अभी कारण इटियोलॉजी, लेट्स स्टडी द इटियोलॉजी. एक तो होता है इडियोपैथिक, मतलब वी डोंट नो द रीजन, सो इट इज सीन इन 85% ऑफ द पेशेंट. ओके अब सेकेंडरी क्या होता है, ड्रग्स जैसे पेनिसिलामिन, प्लीज रिमेम्बर ये पेनिसिलिन और पेनिसिलामिन आर टोटली डिफरेंट एंटिटीज. ओके तो पेनिसिलामिन जो है इट इज ए कॉपर चिलेटिंग एजेंट. ओके वील स्टडी मोर अबाउट दिस इन आवर फार्माकोलॉजी. फिर कैप्टोप्रिल के कारण हो सकता है या एनसेड्स के कारण हो सकता है. मेलिग्नेंसी लाइक कार्सिनोमा ऑफ कॉलन एंड लंग, मेलानोमा के कारण हो सकता है. इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी, सिफिलिस, मलेरिया, सिस्टोसोमियासिस, सिस्टेमिक डिजीज लाइक SLE, डायबिटीज मेलाइटिस, थायरॉइडाइटिस. तो इन सब के कारण आपको सेकेंडरी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलो
नेफ्रोपैथी या ग्लोमेरुलोपैथी हो सकता है. ओके तो हाउ वी रिमेम्बर, देखो इसका न्यूमोनिक है डिस्क. ओके डी फॉर ड्रग्स, ओके आई फॉर इन्फेक्शन, ओके एस फॉर सिस्टेमिक डिजीज, और सी फॉर आपका कार्सिनोमा. ठीक है तो डिस्क. ओके नाउ इसका रिजेंबल्स होता है ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल. व्हाट इज ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल? ये एक मॉडल है जो एनिमल्स में ट्राई किया गया था. तो जो ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी है, इट इज सिमिलर टू ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल. ओके और उसमें वी सॉ द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंटीजन और मेगालिन. ओके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल और ह्यूमन एंटीजन और मेगालिन. ठीक है अब इसका डायग्नोसिस क्या कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे यूरिन और ब्लड काम नहीं आता है, यूरिन और ब्लड काम नहीं आता है. यहाँ पे डेफिनेट डायग्नोसिस इज मेड थ्रू किडनी बायोप्सी. ओके किडनी का बायोप्सी करते हैं हम. तो अभी बायोप्सी में क्या होता है, बायोप्सी में क्या करते हैं हम, लाइट माइक्रोस्कोपी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, फिर इम्यूनोफ्लोरोसेंस में देखते हैं. ठीक है तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या दिखाई देता है हमको, थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक. तो नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, और भी कुछ सारा डिजीज है जिसमें थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल दिखाई देता है हमको, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेसिफिक. ओके सो वी नीड टू डू समथिंग एल्स, हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना चाहिए. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वी सी स्पाइक्स, स्पाइक एंड डोम अपेरेंस, जो मैं बोल रहा था स्पाइक्स ऐसे होता है और डोम ऐसे होता है. ठीक है तो स्पाइक एंड डोम अपेरेंस वी सी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ओके इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट थ्री प्रोटीन और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी दिखाता है. ओके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद द एक्सक्रीशन ऑफ हायर वेट ग्लोबुलिन अलोंग विद एल्बुमिन. ओके तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव कौन सा होता था जिसमें सिर्फ एल्बुमिन एक्सक्रीट होता था, तो दिस इज नॉन सेलेक्टिव. यहाँ पे एल्बुमिन के साथ आपको ग्लोबुलिन भी एक्सक्रीट होता है, सो एंड इट इज नॉट रेस्पॉन्सिव. सो सेलेक्टिव होने से इट इज रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉयड, और नॉन सेलेक्टिव होने से इट इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉयड. ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट तीसरा वाला मिनिमल चेंज डिजीज स्टडी किया हमने, देन वी स्टडीज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, और अब FSGS, ओके फोकल स्क्लेरोसिंग ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. दिस इज नाउ द मोस्ट, नाउ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फोकल. फोकल मतलब ओनली सम ग्लोरी, सोचो 100 ग्लोमेरुलाई है, इनमें से मे बी 30 या 40 ग्लोमेरुलाई इफेक्ट करता है. ओके एंड सेगमेंटल, वो जो 30 है, देखो 30 में भी एक ग्लोमेरुलाई है, सोचो दिस आर इफेक्टेड, उसमें भी सेगमेंटल ऐसे इफेक्ट किया, इसमें हाफ इफेक्ट किया, इसमें सोचो ऐसे इफेक्ट किया. तो फोकल होता है मतलब ऑल द ग्लोमेरुलाई आर नॉट इन्वॉल्व एंड सेगमेंटल, सम सेगमेंट आर इन्वॉल्व. ओके FSGS, FSGS का बहुत सारा वेरिएंट होता है, टाइप्स होता है, उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है इट इज NOS वेरिएंट. ओके और उसमें से वर्स्ट प्रोग्नोसिस एक कोलैप्सिंग वेरिएंट होता है, उसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, और बेस्ट प्रोग्नोसिस ग्लोमेरुलर डिप्लेशन वेरिएंट. ओके तो इसका अभी कॉजेस पढ़ते हैं. इडियोपैथिक अगेन सेकेंडरी क्या होता है, आपको एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ रेनल टिश्यू एस यूनिलैटरल रेनल एजिनेसिस और एडवांस स्टेज ऑफ रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के कारण होता है. एसोसिएटेड विद सिकल सेल एनेमिया, HIV इन्फेक्शन, हीरोइन अब्यूज, ओबिसिटी, तो ये सब इंट्रावेनस ड्रग एब्यूसर के साथ होता है. देन जीन म्यूटेशन लाइक नेफ्रिन का म्यूटेशन, पोडोसिन का, अल्फा एक्टिनिन, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है. ठीक है और APOL1 जीन पॉलीमर्फिज्म के कारण भी FSGS होता है. ओके इसमें प्रोटीनूरिया होता है नॉन सेलेक्टिव, हाइपरटेंशन होता है, हेमाटूरिया होता है, और डिक्रीज इन GFR. नाउ ये आई थिंक इट इज नॉट मच रिक्वायर्ड. HIVN मतलब क्या है, HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, मे प्रेजेंट क्लिनिकली विथ नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन बट नॉट एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन इडिमा. तो HIVN इवन जो होता है इसमें हाइपरटेंशन नहीं होता है, इडिमा नहीं होता है, और हाइपरलिपिडिमिया नहीं होता है आपको. ठीक है तो किडनी बायोप्सी, आप किडनी बायोप्सी करेंगे तो कहाँ से करेंगे, वी विल टेक द किडनी बायोप्सी फ्रॉम द कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन. ओके कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से करेंगे. ओके तो क्या करता है, लाइट माइक्रोस्कोपी
ये फोकल सेगमेंटल रिवील्स फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस जो बोल रहे थे, और इसमें हाइलाइनाइजेशन दिखाता है, ठीक है, हाइलाइनाइजेशन ऑफ द ग्लोमेरुली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी में अगेंस्ट एफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, पर रेनल बायोप्सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसका पैथोलॉजिकल वेरियंट देख सकते हैं, जैसे कोलैप्सिंग वेरियंट है आपका, ग्लोमेरुलर टिप वेरियंट है, सेलुलर वेरियंट है, पेरिहाइलर वेरियंट है, नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक वेरियंट, दिस इज द कॉमनेस्ट NOS, ओके। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या देखते हैं, C3 एंड IgM। याद रखो पिछला वाला में हम लोग ने IgG देखा था, इसमें क्या है IgM डिपॉजिट देखते हैं। तो मेसेंजियम क्या है, इन द स्क्लेरोटिक एरियाज एंड द मेसेंजियम, मेसेंजियम इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्लोमेरुलस फॉर्मिंग द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन विच द ग्लोमेर। तो ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ओके, मेसेंजियम इज द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। मेडिकल डेफिनेशन आर सो डिफिकल्ट, इसको समझने के लिए बहुत समय लगता है। तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन है उसको कैच करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बोला है मैंने, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, रिडक्शन इन GFR, प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड पोर रेस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओके। इसका इंसिडेंस ट्रांसप्लांट पेशेंट में ज़्यादा होता है, एंड चिल्ड्रेन हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन एडल्ट। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, मुस्कान को नहीं पता होगा, प्रोग्नोसिस मतलब आउटकम, आउटकम मतलब अब अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हो तो आउटकम क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एफर्ट।